हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने मैक्रो का एक कोड लिखा है और बहुत ही इनिशियल स्टेज का ये कोड है। और जैसे ही मैं इसको यहां पे रन पे जाता हूं और यहां पे रन करता हूं इसको, तो यहां पे देख सकते हैं ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि मैंने चैनल का नाम ही दिया है। और फिर दूसरी बार जब ओके प्रेस करता हूं तो अपने आप यहां हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आता है। फिर यहां पे तीसरी बार में मैंने 100 लिखा था तो वो लिखा हुआ आता है। तो ये इनिशियल मैक्रो हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपर टैब एक्टिवेट कैसे होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, डेवलपर टैब एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना, ये मेन्यू बार पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज पे क्लिक कर लीजिए और यहां पर आपको कस्टमाइज रिबन में मिल जाता है डेवलपर टैब का ऑप्शन, और यहां पे कर दीजिए टिक। ये अनटिक होगा तो नहीं आएगा, तो फिर यहां पे ओके कर दीजिए और यहां पे डेवलपर टैब शो हो जाएगा। अब आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक पर जाने के बाद आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा नेम, ठीक है। तो जो भी नेम आप देना चाहते हैं अपने मॉड्यूल को वो दे सकते हैं। वो कहां से देंगे, आप जाएंगे इंसर्ट पर और यहां पर आ जाएंगे मॉड्यूल पर। तो जैसे ही मॉड्यूल पर आएंगे तो यहां न्यू मॉड्यूल आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। मेरा पहला मॉड्यूल था बी अंडरस्कोर राइटर मैक्रो, ठीक है, और ये दूसरा मॉड्यूल आ चुका है। इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी देना चाहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं राम, तो यहां से दे सकते हैं बहुत ही इजिली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर वो कोड हमें लिखना है जिस कोड के लिखने से हमारा विजुअल बेसिक का इनिशियल प्रोग्राम जो है चलेगा, ठीक है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर क्लिक किया है मैंने और यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको लिखना है सब, ये इनिशियल सेटअप है ये आपको लिखना पड़ेगा। और यहां पर लिखा मैंने फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिखा मैंने और यहां पे अंडरस्कोर लगा दिया, और ये मैक्रो ही है, ठीक है, अंडरस्कोर लगाना है मैक्रो, ठीक है। तो ये मैक्रो मैं बना रहा हूं और यहां पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे तो यहां एंड सब अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे, तो एमएसजी बॉक्स मैं लिखता हूं और एमएसजी बॉक्स में क्या आएगा, क्या यहां पे एमएसजी बॉक्स, ठीक है। तो एमएसजी बॉक्स यहां पे दे दिया हमने, और यहां पर मैं दे देता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ये लिख दिया हमने विदाउट गैप, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, अब मान लीजिए कि ये तो हमने लिख दिया है, अब क्या ये रन करेगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां रन पे क्लिक करते हैं और यहां से इस तरह से क्लिक करते हैं, तो यहां देखिए मैक्रो आ रहा है। तो कौन सा वाला मैक्रो आप रन करवाना चाहते हैं, ये तो पहला वाला मेरा था, ठीक है, और ये दूसरा वाला है, तो यही हमने बनाया ना, राम नाम से बनाया था। और यहां पर रन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही रन पे क्लिक किया तो यहां देख सकते हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन लिखा हुआ आ रहा है। क्या इसमें गैप नहीं दे सकते हम, तो यहां पर आते हैं थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं, देखते हैं क्या होता है, प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता है। तो यहां पे आए और यहां पे आएंगे, यहां पर भी गैप दे देंगे। अब इसको रन करवाता हूं, तो यहां पे चलते हैं रन पे और फिर इसको रन करवाते हैं। तो ये देखिए एक गैप के साथ भी ये रन कर रहा है, गैप के बिना भी रन कर जाएगा, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि आप कोई नंबर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यहां लिख दीजिए एमएसजी बॉक्स पर कोई भी नंबर आप दे सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये डबल इंटेड कोर्ट्स में दीजिए या ना दीजिए कोई डिफरेंस इससे नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहां पर रन पे जाइए और इसको रन करवा दीजिए, तो ये कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखिए यहां पर जो नंबर हमने दिया था विदाउट इन्वर्टेड कोट्स, फिर भी ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको इन्वर्टेड कोट्स में है, अब विदाउट इन्वर्टेड कोट्स कर दे रहा हूं, एमएसजी बॉक्स ये लिखा हमने और यहां पे कुछ भी दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब ये नंबर ही है, अब इसको रन करता हूं, देखिए बिना इन्वर्टेड कोट्स में दिया है, तो ये हो गया कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, पहले ये हमने मैसेज बॉक्स में दिया था, फिर यहां पे देखिए ये नंबर दिया था डबल इंटेड कोट्स में, अब फिर ये देखिए ये नंबर जो है विदाउट डबल इंटेड कोट्स दिया था, तो ये सब प्रिंट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये इनिशियल विजुअल बेसिक के लिए मैक्रो लिखा जाता है। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।